नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों से की बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्धजनों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों से वृद्धाश्रम में मिल रहे भोजन, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, सचिव आर प्रसन्ना, संचालक पी दयानंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में मिले 100 कोरोना मरीज। छत्तीसगढ़ में आज कुल 100 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 3,526 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 677 हो गई है। प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। वन मंत्री का PSO कोरोना पॉजिटिव। वन एवं परिवहन मंत्री का PSO भी संक्रमित मिला है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर का PSO हाल ही में UP से लौटा था। इस पर मंत्री ने पहले टेस्ट कराने और रिपोर्ट के बाद ही बंगले में आने की ताकीद दी थी। PSO की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंत्री का बंगला एहतियातन सील कर दिया गया है। हालांकि यूपी से लौटने के बाद उसकी मंत्री अकबर से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इससे पहले रायपुर सांसद सुनील सोनी का भी PSO कोरोना पॉजिटिव मिला था। अमित जोगी में दिखे कोरोना के लक्षण, खुद को किया क्वारंटाइन। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। इस बात की जानकारी अमित ने खुद ट्वीट कर दी। अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बुखार, गले में खराश और सिर शरीर में दर्द के कारण 14 दिनों के लिए मुझे रायपुर में ही क्वारंटाइन किया गया है। लाड बुद्धा फाउंडेशन का चेयरमैन हिमाद्री बरुआ रेप के आरोप में गिरफ्तार। राजधानी के नया रायपुर स्थित लाड बुद्धा फाउंडेशन के चेयरमैन हिमाद्री बरुआ को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिमाद्री पर उसी के फाउंडेशन में काम करने वाली एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत बीती रात महिला ने राखी थाना में की थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। राजधानी के पुरानी बस्ती इलाके में आपसी विवाद के चलते युवक को मारा चाकू, हालत गंभीर। राजधानी में बीती रात करीब 10 बजे एक चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें बंधवापारा निवासी दीपक यादव को आपसी रंजिश के चलते आरोपी शुभम ने चाकू मार दिया, जिससे दीपक के पेट की आंतें बाहर आ गई थी, जिसके चलते युवक को प्राथमिक चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया। युवक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड, 24,879 पॉजिटिव केस, 487 लोगों की गई जान। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 24,879 मामले सामने आए और इस वैश्विक महामारी से 487 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,67,296 हो गई है। इसमें 2,59,789 एक्टिव केस है। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 5 लाख के इनामी विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे पर 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली में दबिश दे रही थी। यूपी पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है, वहीं कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया प्लाज्मा डोनेट। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान किया है। उन्होंने अपील की है कि मेरे जैसे हजारों अन्य नागरिक जो स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट कर अन्य संक्रमितों के इलाज में मदद करनी चाहिए। देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। 81 साल की उम्र में जगदीप का निधन। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में बीती रात निधन हो गया है।
बढ़ती उम्र से होने वाली परेशानियों के चलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कल रात उनका निधन उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।